हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि पांडे एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एमईएस स्टडी द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज हम पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं। इसका नाम है अनुसूची। क्या नाम है? अनुसूची। आपको पता होगा हमारे संविधान में 12 अनुसूचियों के बारे में बताया गया है। तो आज हम उन 12 अनुसूचियों, पहले आप समझ लीजिए इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पॉपअप होते हैं, बहुत नॉर्मली होते हैं। संघ राज्य के बारे में किस अनुसूची में बात की गई, या कौन सी अनुसूचियाँ हमें समूह बारे में बताती, या हमारी आधिकारिक भाषाओं के बारे में कौन बताती, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। और आपको ये 12 याद रहेगा, आराम से कर लेंगे रहेगा तो अभी हम पक्का आपका याद हो जाएगा और आपका गलत भी नहीं होगा, ठीक है ना? अगर नहीं विश्वास है तो एक बार आप वहाँ पढ़ के देखिए, एक बार इसको देख के हमारी वीडियो देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं। एक बार बस ध्यान से देखिए, 10 मिनट के अंदर आपके माइंड में चला जाएगा पूरा का पूरा, है ना? अनुसूची नंबर 1 क्या बताता है? राज्यों और संघ शासित प्रदेश की सूची के बारे में। राज्य और संघ शासित, राज्य समय कितने हमारे पास? 28 है, और संघ शासित प्रदेश 8 है। 9 मत बता दीजिएगा, 8 है, ठीक। नंबर 1। अनुसूची नंबर 2 क्या बताता है? अनुसूची नंबर 2 बताएगा वेतन के बारे में। आप पूरा मत पढ़िएगा, बस समझ लीजिएगा। ये अगर इसका डिटेल देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके अनुसूचियों के बारे में हमने आपको डिटेल बताया है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, वनडे एग्जाम में छोटे क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर, तो गलत नहीं होगा। तो दो क्या बताएगा? वेतन के बारे में। क्या बताएगा? वेतन। अब वेतन भाई, हमारी रोजी रोटी चलती है ना, तो कहते हैं भैया 2 जून की रोटी, 2 जून की रोटी। तो अनुसूची नंबर 2 क्या बताएगा? वेतन के बारे में, वेतन के बारे में। अनुसूची नंबर 3 बताएगा शपथ। क्या बताएगा? शपथ, ठीक है ना? 3 था से 3 और था से थ, तो शपथ और 3 से क्या हो गया? था से क्या हो गया? शपथ। तो क्या हो गया कि पहले हमने राज और बताया, ठीक है ना, संघ शासित प्रदेश, फिर इसमें हमने सेवा के लिए बोला भैया आप आओगे क्या, हम इतना वेतन देंगे, तो जिन्होंने बोला हाँ हम आएंगे उनसे बोला चलो शपथ खाओ कि आप ईमानदारी से काम करोगे। ये तीनों आपको याद हो गया, ठीक है ना? चलिए अब 4 देख लेते हैं, और 5 और 6 हम एक साथ पढ़ेंगे। 5 और 6, 4 देखते हैं। जब इनको शपथ दिला दिया गया तो कुछ लोगों को हमने राज्य में भेजा, तो बोला कि किस राज्य से कितने कितने लोग आएंगे राज्यसभा में। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन ना, किस राज्य से कितने कितने लोग आएंगे, तो ये क्या होगा? राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सा बताता है? 4, ठीक है ना? कहते चारों ओर से लोग आएंगे ना, चारों ओर से लोग आएंगे तो कितने कितने आएंगे वो सीट हम बताएंगे, ठीक है ना? 5वां और 6वां एक ही है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें जनजातियों के बारे में प्रशासन और नियंत्रण बताया गया है, और इस वाले में कुछ विशेष राज्य, पूर्वोत्तर राज्य है ना, जैसे कौन कौन से? मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में जनजाति के बारे में। 5 क्या बताएगा? जनजातियों के बारे में, जनजातियों का ध्यान रखना रखना, कोई परेशान ना करें, उनको दिक्कत ना हो, पढ़ाई लिखाई खाने मेडिकल सबका जो है ना। और 6वीं बताता है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है ना, 7 सिस्टर है ना, उनमें से 5 की देखभाल, 5 के जनजाति देखभाल करना, ठीक है ना, उन पर रखना। 7वीं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें अनुसूची में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी रहती है 7। 7 है समवर्ती सूची। क्या है? 7 में ये दिशा है और यता है, दोनों को मिला देंगे समवर्ती, मतलब 7। 7 मतलब क्या हो गया? अनुसूची नंबर 7 समवर्ती भी याद हो गया। समवर्ती सूची क्या होता है, राज्य सूची क्या होता है, संघ सूची क्या होता है ना, और आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए तीनों अलग अलग से और डिटेल्स। इस संघ में 100 सब्जेक्ट हैं, इसमें कितने हैं? 100 विषय, मतलब कि संघ जो है वो 100 विषय के ऊपर अपने नियम बना सकती है। राज्य सरकार, राज्य सरकार 61 के ऊपर बना सकती है। तब तो ये संघ सूची हो गया, ये राज्य सूची हो गया, तो ये समवर्ती सूची क्या है? जी हाँ, इसमें दोनों लोग मिल के नियम बना सकते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, ऐसे कई है ना, तो उस पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। अच्छा पूछा जाता है अगर दोनों पे विवाद हो जाए तो किसका मान्य होगा? जी फिर संघ का ही मान्य होगा। तो आपको इसमें याद रखना है कि पूछेंगे संघ राज्य या समवर्ती सूची कौन सी अनुसूची में दिया गया है, कौन से में है, पर में है, ठीक है। तो चलिए 5 और 6 तो याद ही हो गया ना। 5 क्या बताया था? जनजाति के बारे में, और 6 बताया था 5 राज्यों के, 5 राज्य जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ये 5ों को याद रख लीजिएगा नाम, नहीं तो क्वेश्चन हो जाता है, गलत हो जाता है ना।
ज्यादातर इसको पूछते नहीं है, बस आप याद रखें। पांचवा किसके बारे में बताएगा? जनजातियों के बारे में। और छठवा कुछ विशेष राज्यों के जनजातियों के बारे में, ये वही। सात हमने बताया, सात से समवर्ती, समवर्ती सूची में, हाँ समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, 52 विषय याद रखिएगा। आठवां, आठवें में मैंने एक आपको बता रहा हूँ, बोलते हैं बोला करो तो ऐंठ के ना बोला करो, कैसे? ऐंठ के, ऐंठ मतलब हो जाएगा एट, क्या हो जाएगा? एट, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है हमारी भाषा के बारे में, किसमें दिया है? अनुसूची नंबर 8 में। तो ये आपको याद हो गया। तो चलिए, अच्छा भाषाएं कितनी हैं हमारी आधिकारिक, तो बता सकता है क्या? ठीक है, ये 22 भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। अब आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ, शुरुआत में जब हमारा संविधान बना था उस समय 14 भाषाएं थी। पहले बार जो है भाषा जोड़ी गई हिंदी भाषा थी, उसके बाद तीन भाषाएं जोड़ी गई जो थी नेपाली, मणिपुरी, नमक। किसकी क्या है? नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी थी। फिर चार भाषाएं और जोड़ी गई अभी इसमें, जो 22 भाषाएं हैं ना। फिर क्या गई? बॉडमास। क्या है बॉडमास? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो जो हमने अलग से पढ़ाया है ना अनुसूची 8 हमारी भाषाओं के बारे में, तो बहुत डिटेल से इसको पढ़ाया है। जैसे भाषा के बारे में अनुच्छेद पढ़ा जाए तो 343 से 357 तक है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा आप। चलिए फिर अब नौवा देखते हैं, अनुसूची नंबर 9। ये भूमि कार्यकाल क्या है? तो भूमि के बारे में जो नियम बना था, एक्चुअली पहला जब संशोधन हुआ था तो यही अनुसूची नंबर 9 जोड़ी गई थी। पहली संशोधन पूछते हैं, पहले संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो अनुसूची नंबर 9 जोड़ी गई। और किसके बारे में था? भूमि के बारे में था। एक्चुअली जब देश आज़ाद हुआ 50 में, तो देश आज़ाद हुआ। और ये अनुसूची नंबर 9 कब जोड़ी गई थी? 51 में। कब हुई थी? जोड़ी गई थी 51 में। अब क्यों जोड़ी गई थी? क्योंकि जो जमीन पे जो रोड बनना था या सरकारी कार्यालय बनने से ना, तो ना जो है वो जाके मौलिक अधिकार अधिकार कुछ बता के मुकदमा कर देते थे, तो ना वहाँ बन पाता था मुकदमा। आपको पता है कितना लंबा चलता है, इसलिए जो है वो जाके क्या कर देते थे? मुकदमा कर देते, वो तो डिस्टर्ब हो जाते थे, काम रुक जाता था। इसके लिए इन्होंने अल्लाह जाके डाल दिया अनुसूची नंबर 9 में। आगे हम इसका बताएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर अनुसूची नंबर 10 क्या बोलती है? नंबर 10 मतलब हो गया दल बदल। क्या हो गया? आप याद रखिएगा, दल बदल क्या है? दल बदल कितना याद रखिएगा, मतलब कि जो बीजेपी में है वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में ना जाए या अदर पार्टी में ना जाए। अगर अदर पार्टी में जाएगा तो उस पर दल बदल कानून है। जो अनुसूची नंबर 10 से बताता है कि क्या क्या टर्म्स हैं, उसके तहत उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगा, वो किसी पार्टी का सदस्य नहीं रह जाएगा, उसका पद तो उसके पद से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट वन है 11 और 12 एक साथ पढ़ना। जैसे आपने यहाँ पढ़ा था ना, 5 और 6, 5 और 6 दोनों जनजाति से थे, 5वां नॉर्मल जनजाति से थे अनुसूचित क्षेत्रों के, और ये विशेष क्षेत्रों के जो 5 राज्य थे ना, ऐसे आपको 11-12 पढ़ना है। 11 पढ़ना है पंचायती राज में, कौन से? पंचायती राज में। और क्या है? नगर पंचायत। तो मतलब पंचायत वही जो गांव में बैठती है ना, ग्राम पंचायत जिसको बोलते हैं, पंचायती राज या ग्राम पंचायत। पंचायती राज के बारे में कहाँ बताया गया? अनुसूची नंबर 11, गा से 11, गा से गाँव याद हो जाएगा। और अनुसूची नंबर 12 किसके बारे में बताता है? नगर निगम के बारे में। किसके बारे में? नगर निगम, मतलब कि जब गांव थोड़ा डेवलप हो जाता है तो फिर क्या बन जाता है? नगर निगम बनता है, मतलब काफ़ी डेवलप होने के बाद। तो पहले क्या आएगा? गांव आएगा ना। अनुसूची नंबर 11 कौन सी है? गाँव के बारे में। नंबर 12 नगर के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए एक बार हम रैंडमली इसको पढ़ के देखते हैं, ठीक है ना। पहला क्या बताएगा? अनुसूची नंबर 1 में क्या दिया गया है? राज्य और संघ शासित प्रदेश के बारे में। राज्य कितने हैं? 28। और संघ शासित प्रदेश कितने हो गए इस वर्तमान में? 8 हो गए हैं। अनुसूची नंबर 2, 2 जून की रोटी से वेतन हो गया। अनुसूची नंबर 3, शपथ के बारे में हो गया। 4, चारों ओर से आदमी आते हैं तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन हो गया। 5, पांचवा और छठवां हमने एक साथ बताया था। पांचवा क्या हो गया? जनजाति प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। और छठवां क्या हो गया? हाँ, कुछ विशेष राज्य के बारे में ना। 7, 7 से समवर्ती सूची हमने बताया था। 8 बताया था ऐंठ के ना बोला करो, तो बोलना मतलब हो गया भाषा, भाषा आधिकारिक भाषाएं। अनुसूची नंबर 9 ये क्या है? भूमि से संबंधित है। 1951 में पहला संशोधन के तहत अनुसूची नंबर 9 जोड़ी गई थी। अनुसूची नंबर 10, 10 से दल बदल। अनुसूची नंबर 11, 11 से ग्राम पंचायत, मतलब पंचायती राज व्यवस्था। और अनुसूची नंबर 12 सब क्या हो गया? नगर निगम, ठीक है ना। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। आप हमें एक चीज़ बताएंगे क्या, जो पंचायती राज जो प्रधान होता है, प्रधान बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए, मिनिमम उम्र कितनी चाहिए? इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए,
या जो भी हम पढ़ाते हैं सबका पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल रहता है और एक सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनी रहती है। अगर वो पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि MES STDIE नाम से है वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। और किसी भी सब्जेक्ट का अगर डिटेल में पढ़ना है, देखना है, अप्रोच के साथ समझना है तो हमारे टेलीग्राम, हमारे उस पर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में पड़ा रहता है, वहाँ जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।